हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट अफसेस के बारे में, यानी कि ब्रेस्ट पे किसी टाइप का जख्म या पस पड़ जाने की वजह से तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है। ये जो बहुत पेनफुल भी होती है, उनको पेन भी होता है और कई महीनों तक मतलब परेशान रहती हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, वहां पे गांठ भी बन जाती है ब्रेस्ट में। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम जो होती है किस वजह से होती है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम और इसका ट्रीटमेंट क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तक पहुंच जाए। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रेस्ट अफसेस के बारे में। तो इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट है वहां पर एक टाइप का फोड़ा बन जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, और जब ये प्रॉब्लम होती है तो वहां पे स्वेलिंग भी आ जाती है, रेडनेस भी हो जाती है और बहुत पेन भी वहां पे होता है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है वो जब मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती है उस टाइम पे देखने को मिलती है। इससे इसके क्या कॉजेस होते हैं, कॉजेस की अगर बात करें तो कभी कभी बच्चे दूध पीते टाइम मतलब वहां पे जो है निपल पर काट लेते हैं, उस वजह से होता है, या फिर बच्चे को ओरल कैविटी में कोई इन्फेक्शन है जब वो दूध पीते हैं तो उसके थ्रू जो है इन्फेक्शन अंदर तक चला जाता है ब्रेस्ट में, तो वहां पे भी जो ब्रेस्ट अफसेस हो सकते हैं, या फिर हाइजीन की कमी होती है तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किसी तरह मतलब ब्रेस्ट में चोट लग जाती है या फिर नाखून वगैरह लग जाता है या साफ सफाई नहीं रखती हैं तो तब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो बैक्टीरिया होता है स्टेफिलोकोकस, उस बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अपने जो ब्रेस्ट है वहां साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ओके, और दोस्तों इसकी जो एक वजह होती है वो ये भी होती है, जब ब्रेस्ट में मिल्क इकट्ठा हो जाता है तो ब्रेस्ट अफसेस बन जाते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट है या दूध नहीं पीते हैं तो वहां पे ब्रेस्ट में जो है मिल्क यानी कि दूध इकट्ठा हो जाता है, उस वजह से ये हो जाता है। तो आपको अपने जो मिल्क है वो कलेक्ट नहीं होने देना है ब्रेस्ट में, वरना ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस टाइम पे क्या करना है, 50 ml की सिरिंज से या ब्रेस्ट पंप आता है उससे, उसकी हेल्प से आप मिल्क को निकाल लें, बट इकट्ठा ना होने दें, कलेक्ट नहीं होने दें, वरना ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक, अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में कि अगर ब्रेस्ट अफसेस की प्रॉब्लम होती है तो इसके क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये नॉर्मली वैसे सब पहचान ही लेते हैं इसको, फिर भी वहां पे क्या होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, ब्रेस्ट का साइज थोड़ा बढ़ा हुआ देखने लगेगा और गांठ टाइप में भी वहां देखने को मिलेगी, रेडनेस आ जाएगी, बहुत पेन होगा। ठीक, तो ये इस टाइप के सिम्टम आपको वहां देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, वहां पे आपको फीवर भी आ सकता है, पसीने के साथ ठंड भी लग सकती है, तो इस टाइप के जो है आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। फीवर तो नॉर्मली है, देखने को मिलेगा ही, और पेन भी वहां पर होगा, तो ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ये ब्रेस्ट अफसेस की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या वहां पर ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं, तो नॉर्मली जो है एंटीबायोटिक देते हैं। अगर शुरुआती दिनों में आपको पता लग जाता है ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर को हम दिखा देते हैं तो वहां पर एंटीबायोटिक इसको जो है कंट्रोल कर लेती है, वरना इसको जो है थोड़ा कट वगैरह लगाकर जो डॉक्टर इसका पस निकालते हैं। ओके, तो अगर नॉर्मली आपको मतलब शुरुआती दिनों में पता लग जाती है तो वहां पर एंटीबायोटिक आती है एमोक्सिलिन सीवी 625, है ना, तो वहां पे सुबह शाम देते हैं, और जीरोडोल एसपी टेबलेट आती है सुबह शाम, वहां पे डॉक्टर आपको देते हैं। कैप्सूल आता है बीकासूल जिसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो डॉक्टर ओडी आपको देते हैं, समझ गए, तो ये सब देते हैं। अगर इससे भी कुछ नहीं होता है तो वहां पे एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, मेगासिन इंजेक्शन 500 में आता है, उसको बीडी देते हैं, इसके साथ में मोनोसेफ इंजेक्शन भी जो है देते हैं। तो अगर इससे ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, वहां पे गांठ टाइप हो जाती है या फिर दवाई से कुछ नहीं होता है, तो वहां पे जो है थोड़ा चीरा वगैरह लगाकर डॉक्टर पस वक्त वहां से निकालते हैं, और 4-5 दिन तक डॉक्टर के पास जाना रहता है, ये जो है कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।